आगे बढ़ेंगे, बात अब करेंगे लालू प्रसाद यादव के आज होने वाली परिवर्तन रैली की। सवाल बड़ा यही उठ रहा है कि क्या परिवर्तन रैली से होगा परिवर्तन। आज पटना में लालू प्रसाद यादव हुंकार भरने वाले हैं। पटना के गांधी मैदान में लालू की आज परिवर्तन रैली है। इस रैली को सफल बनाने के लिए लालू महीनों से बिहार का कोना कोना छान रहे थे। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि लालू प्रसाद यादव जब वहां पर मौजूद अपने कार्यकर्ताओं और लोगों से मुखातिब होंगे तो बोलेंगे क्या, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बोलने का अलग ही अंदाज होता है। हालांकि एक दिन पहले ही नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए लालू यादव ने उन्हें काला नाग तक बता दिया है। अब देखना यही होगा कि आज जब मंच पर पहुंचेंगे लालू प्रसाद यादव तो फिर वो मंच से इस परिवर्तन रैली के जरिए क्या मैसेज देते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पटना में परिवर्तन रैली करने वाले हैं। भारी तादाद में कार्यकर्ता इस वक्त पटना पहुंच चुके हैं। इस रैली से ठीक पहले हमारे संवाददाता शैलेंद्र ने लालू प्रसाद यादव से बातचीत की। परिवर्तन रैली में अब कुछ ही समय रह गया है जब लालू प्रसाद यादव पटना के गांधी मैदान से नीतीश सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। लालू यादव ने पूरी तैयारी कर ली है खुद से, लगातार लालू यादव रात भर उन्होंने मॉनिटरिंग किया है कहां से कैसे लोग आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, रुकने के क्या इंतजाम हैं, हर चीज का जायजा लालू यादव ने खुद पूरी रात जागते हुए लिया है। लालू यादव से हम बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से वो आज की जो रैली है वहां हुंकार भरेंगे, नीतीश सरकार के खिलाफ आज वो हल्ला बोलेंगे। नहीं नहीं, पूरा हल्ला बोल जनता बिहार का कर दिया है, हम तो निमित्त मात्र हैं। और पूरा माओ मार्च जैसे होता है हो गया पटना, और इसका पतन शुरू हो गया। नीतीश कुमार आरएसएस बीजेपी का तोता का सारा इनका कलई खुल गया कि कितना ढोंग प्रचार किया, बिहार बढ़ गया, बिहार विकास कर गया, अमेरिका से आगे चला गया, चीन को पीछे छोड़ दिया। आप जाके देखो आइए कि बिहार की जनता जुट करके इनके सारा फ्रेब और ढोंग को आज तार तार कर दिया आज, और सब मोर्चा पर विफल, अत्याचार अनाचार व्यभिचार सामूहिक बलात्कार घुसखोरी का बाजार गरम, बिजली नदारद पानी नहीं, सब जगह त्राहिमा, किसान त्राहिमा, अब मजदूर का सब पैसा खा गया और सारा छलावा किया महादलितों के नाम पर, तो सब लोग सब जाति के लोग मार्च कर गए हैं एकदम। अभी तो रास्ता में लोग हैं एकदम, माने जनरल ट्रैफिक जो है ट्रक उसको पार्किंग करने में हमारा पीछे, रैली की बहुत सारी गाड़ियां फंसी हुई है, रेल अभी पांच नहीं आया है, तो सारा जगह एकदम। अब नीतीश कुमार और यहाँ का डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली भाग गया। क्या लगता है इस रैली से कितना फायदा होगा आपको और राजद को? फायदा का मतलब अगर हमको आदेश था जनता का कि आठ साल चुपचाप बैठे आप, अब इनको हटाओ, जनता को फायदा होगा, राहत मिलेगा, ये है लड़ाई। आज एकदम झंकार एकदम फुफकार करते जनता पहुंची हुई है। तो ये जनता के लिए रैली है, राजा सुप्रीमो का साफ तौर पर कहना है कि ये रैली आपसे लोगों को, आम लोगों को फायदा होगा। जिस तरीके से नीतीश सरकार के में जिस तरीके से भ्रष्टाचार है, अपराध है, इस रैली के बाद वो समाप्त करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे बिहार में राजनीति की। चैनल प्रश्न नितिन सिंह के साथ शैलेंद्र साहिल, इंडिया न्यूज, पटना।